छोटी छोटी जगह से निकलकर बड़े बड़े शहरों में नाम कमाने का सफर। हर सफर की होती है अपनी एक कहानी। सफर की यही कहानी लेकर आ रहा है जीनत इंडिया अपने खास कार्यक्रम शख्सियत में। ठगी का शिकार हुआ फिर एक गरीब परिवार। मामला जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली मोहल्ला मिठूलाल का है। बता दें कि जनपद मुजफ्फरनगर का यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी खतौली के दर्जन भर अधिक लोग ठगी का शिकार हो चुके हैं। ठगी करने वाले लोग जनपद भर में सक्रिय हैं। एक के बाद एक कस्बे के अलग अलग मोहल्लों में ठगी को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस पकड़ से अभी दूर है। सूत्रों की माने तो जनपद मुजफ्फरनगर के भी कुछ लोग इन ठगी करने वालों का साथ दे रहे हैं, जिसके चलते लगातार एक के बाद एक ठगी खतौली कस्बे में हो रही है। पीड़ित परिवार की बेटी से जब बात करी गई तो उन्होंने बताया कि बाजार में घर के लिए कुछ सामान लेने के लिए गए थे, हमारी नजर दीवार पर लगे पोस्टर पर पड़ी। पोस्टर जिसमें मुद्रा लोन देने की बात कही गई थी, दो मोबाइल फोन नंबर भी लिखे थे। इन मोबाइल नंबर पर घर पहुंचकर हमने संपर्क किया। संपर्क होते ही ठगी करने वाले लोगों इन मासूम भोले परिवार को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया और अपनी बातों को मनवानी शुरू कर डाली। पहले पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, दो फोटो आदि पेपर ले लिए। 15 दिन में खाते में पैसे डाल दिया जाएगा। इसके एवज में आपको 50,000 हमें देने होंगे, तब जाकर पैसा आपके खाते में आएगा। परिवार में पैसों की बहुत जरूरत थी, पैसा पाने की चाह के आगे और कुछ नजर नहीं आया। ठगी करने वाले एक व्यक्ति के पेटीएम में किस्तवार 40,000 रुपए भी भेज डाले, जिसके बाद से ही ठगी करने वालों का संपर्क टूट गया। अब पीड़ित परिवार की कोई मदद करने को राजी नहीं। आखिर अपनी फरियाद लेकर कहां जाएं? परिवार को चलाने में इस परिवार की लड़कियां भी अपना हाथ बटाना होता है। परिवार में मजदूरी पर सिलाई का कार्य होता है। तेजी से बढ़ रहे साइबर ठगी की घटनाएं, जनपद में साइबर क्राइम का शिकार होने वाली संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। गुलफ्शा जी कहाँ के निवासी हैं, क्या हुआ है आपके? मैं खतौली में रहती हूँ, मिठूलाल मोहल्ले में रहती हूँ मैं। और जी मैं बकरियान मस्जिद के पास मार्केट में गई थी पहले, तो मैंने वहाँ पर एक पोस्टर में देखा कि ऐसे ऐसे हमें लोन मिल सकता है 1,00,000 से 5,00,000 रुपए तक। उसके पास सारे एड्रेस सब कुछ थे। उन्होंने फिर मैंने कॉल किया आके उनके पास, तो उन्होंने बोला कि आपको मिल जाएगा मैम। क्या डॉक्यूमेंट्स जमा करें? आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक फ़ोटो, बैंक की पासबुक, ये सब भेजे। फिर हमने ये भेज दी उनके पास, तो उन्होंने बोला मैम आपका काम हो जाएगा पक्का, बस आप हमें 1,500 रुपए दे दीजिए। क्या शर्तें बताई गई थी, किस तरीके से लोन मिलेगा उनको? उन्होंने बोला था 15 दिन के अंदर अंदर ही आपको मिल जाएगा लोन। अब बस ट्रांसफर हो ही गया आपके पास, और किश्त के अकॉर्डिंग हम आपसे ले लेंगे। ये मतलब हर 6 महीने बाद आपकी किश्त भरी जाएंगे, और जी 5,000 रुपये महीना होगा, और 1,00,000 आप पे छोड़ भी दिए जाएंगे, 1,70,000 रुपए। इस परिवार में क्या कार्य होता है? हम सब बैग सीते हैं, यहाँ पर सिलाई करते हैं। हमने सोचा लॉकडाउन की वजह से वैसे कारोबार टूट गया है सबका, सब भाई परेशान हो गए हैं, तो हमने सोचा इसलिए हमारा सबका काम हो जाएगा। इसलिए आपको ये जरूरत आन पड़ी? क्योंकि काम सबका ही ठप हो गया बिल्कुल। बहन की शादी करनी है और भाइयों का काम बिल्कुल बिगड़ गया। उसी स्थिति में हमने सोचा हमारी हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी, तो हम ले लेते हैं। पर वो इतने फ्रॉड निकले, इतने वो निकले, उन्होंने हमारे पैसे भी ले लिए 20,000 रुपए, 20 मेरे से 20 इनसे। ठगी हुई है किस तरीके से, कैसे आपने पैसे जमा किए? उन्होंने अपना पीएटीएम से कहा, एटीएम उन्होंने हमें अपना एक नंबर भेजा, डॉक्यूमेंट्स था वो पक्का, तो कह रहे मैम आप इस पर लगा दीजिए, और जी हम आपको पक्का बस आने वाले हैं, बस चल दिए पैसे, बस आने वाले हैं। फिर उन्होंने कहा कि 19,000 रुपये और भेजो, 10,000 रुपये। फिर हम कहेंगे नहीं सर हमारे पास तो होगा नहीं, हम तो वैसे इतने परेशान हैं, हम कैसे नहीं होगा? नहीं मैम बस ये तो शर्त होती है उसकी, सरकार की, गवर्नमेंट की, ये तो शर्त है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। हमने 10,000 रुपये लेके किसी से वो भी कर दिए। फिर आता है उनको 9,000 रुपये और दो। मैं कह रही सर अब तो बिल्कुल भी नहीं होने का, अब तो भाई हमने इतनी मुश्किल से तो उनसे लिए हैं, अब नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा नहीं भाई वो आपका एक है ना बीमा बनेगा, अब वैसे ही लोग वो कोरोना चल रहा है ना उसके लिए। तो सर हम बिल्कुल हार गए, बहुत उन्होंने हमारे साथ बुरा किया। बस सर हमें हमारे 40,000 रुपये चाहिए, उन्होंने जो लिए हमसे।